पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है। हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश राज्य योजना के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी दो योजनाएं हैं, कर्मकार खाद्यान्न सहायता योजना और कर्मकार मातृत्व हित लाभ योजना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्मकार खाद्यान्न सहायता योजना की। इसका परिचय देखते हैं। इस योजना का मकसद भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न कर्मकार श्रमिकों को गुणवत्ता परक खाद्यान्न सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके। इसके लाभ की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला खाद्यान्न अधिकतम 1 माह व न्यूनतम 15 दिन का एक मुश्त लाभार्थी की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। योजना के अंतर्गत ये लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही दिया जाता है, किंतु यदि किसी परिवार में एक से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं, तो ये लाभ सभी पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाता है। इसकी पात्रता पर नजर डालें तो इस योजना के अंतर्गत वे सभी कर्मकार पात्र होते हैं जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को दिया जाता है जो आधार कार्ड धारक हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी योजना, कर्मकार मातृत्व हित लाभ योजना की। इसका परिचय देखते हैं। इस योजना का मकसद सभी पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरुष कर्मकार की पत्नी को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। इसके लाभ के तहत महिला कर्मकार को मातृत्व हित लाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से 3 माह के वेतन के बराबर राशि दी जाती है। इसके अलावा निर्माण कार्य करने वाली महिला श्रमिक को 1,000 रुपए की अतिरिक्त राशि चिकित्सा बोनस के रूप में दी जाती है। महिला निर्माण श्रमिक के गर्भपात होने की दशा में उसे उसके 6 सप्ताह के वेतन के बराबर राशि दी जाती है, परंतु 2 बच्चों के जन्म के उपरांत गर्भपात कराए जाने पर ये लाभ नहीं दिया जाता है। पुरुष कामगारों की पत्नियों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ की परिधि में लाते हुए उन्हें कुल 6,000 रुपए 2 किश्तों में दिए जाते हैं। इसकी पात्रता की बात करें तो सभी पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरुष कर्मकार की पत्नी को अधिकतम 2 प्रसवों तक लाभ दिया जाता है। आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और स्कीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।